आज दिन भर की अपडेट्स ये हैं कि आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के कारकुन जो सुबह 4 बजे तक जबर और फस्ताइयत का मुकाबला करते रहे, वो 4 बजे तकरीबन यानी नमाज फजर तक जो है वो मुकाबला करते रहे और उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। और उसके बाद मोहसिन नकवी और इस निज़ाम और पूरी सरकार ने यह समझा कि अब सब अच्छा है, सब ओके है, कोई मसला नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब सारे मामलों कंट्रोल में हैं, लिहाजा आप अब लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आइए, क्योंकि वैसे भी बहुत तबरा आप पे पड़ा जा रहा है, बहुत आप के बारे में डिस्कस हो रहा है कि आप खौफजदा हो गए, आप भाग गए। और शायद कहीं और से भी शहबाज शरीफ को कहा गया होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा ख़ास तौर पर इन दो के इस्लामाबाद से भागने की वजह से पूरी नून लीग के अंदर एक खौफ था और सबको सांप सूंघ गया था, सब परेशान थे कि ये मतलब अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा मुल्क से इस्लामाबाद से भाग गए, शहर इक़तदार से भाग गए, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत संजीदा है, क्योंकि ज़ाहिर है इन दो शख्सियात के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है कि इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट भी दे रही होती हैं कि क्या चल रहा है, तो सब खौफजदा हो गए। तो अब इनको कहा गया कि आप लोग वापस आएँ, शहबाज शरीफ तो वापस आ गए, ख्वाजा आसिफ साहब कभी नहीं पता चला कि वह वापस आएँ नहीं आए, शायद ख्वाजा आसिफ साहब देख रहे थे कि आज का दिन भी शायद वो देख रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ तो लगता है हाथ हो गया, क्योंकि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं और मोहसिन नकवी साहब मिले हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट दी है, तो उससे आधे घंटे बाद दोबारा वहाँ पर माहौल बन गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक के अतराफ़ में मौजूद हैं, दोबारा वो आए हैं और कल देखें ना किस तरह से आप ये ट्रैप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, कि कल इन्हें यह पता था कि अब हम मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, हम ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, तहरीक इंसाफ का कारकुनान का मुकाबला नहीं कर सकते, इमरान खान के कारकुनान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके जोश और जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी तमाम तर जबर फस्ताइयत पूरी ताकत शैलिंग गोलियाँ सब कुछ नाकाम हो गया है, तो अब एक साजिश के ज़रिए उनको ट्रैप किया है। कल इन्होंने अपने बंदे सिविल ड्रेस में नामालूम अफराद जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान में शामिल कर दिए और वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उन्होंने कहा कि जी हम भी आए हुए हैं खान के नाम पे, खान के नारे लगाए उन्होंने, और तहरीक इंसाफ के कारकुन जो बेचारे खुद मुख्तलिफ जगहों से किराए पकड़ के और पैसे किसी से ले के आए हुए थे, उन्होंने इनको जो है इनको भी साथ ले गए, इनको मुख्तलिफ जगहों पर ठहरा के इन लोगों को खाना खिलाया, और आज जब इनके साथ आए तो पता चला कि ये ट्रैप था और इन लोगों ने उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। तो ये भी अब एक मामला है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अब पार्टी की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है कि ख्याल रखें और बिल्कुल जिन क्योंकि कुछ ऐसे इस्लामाबाद के मकामात हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुन ठहरे हुए हैं, और अभी भी मैं आपको ये बता सकता हूं कि 2 से 2500 लोग इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के ऐसे मौजूद हैं कि वो बिल्कुल लास्ट उसके लिए उन्होंने रखा हुआ है कि बिल्कुल एंड में जब कॉल दी जाएगी तो फिर वो आएँगे। तो ये अब है कि अब मालूम नहीं है कि ये जो बंदे कल जो तकरीबन कोई 70 के करीब इस तरह के बंदे जो हैं वो नामालूम अफराद सिविल ड्रेस में छोड़े गए थे जो मुख्तलिफ लोगों के साथ गए हैं, अब मालूम नहीं है कि उन्होंने किन किन घरों और किन किन मकामात और किन किन जगहों का उन्होंने मतलब चेक कर लिया है कि यहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं, और पता नहीं वहाँ पे अब शायद क्रैकडाउन भी हुआ हो, वहाँ से लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया हो। लेकिन कल जो दावा किया गया था मोहसिन नकवी की जानिब से वो दावा झूठ गलत साबित हुआ, और उन्होंने कहा कि अब सब कंट्रोल में, सब कंट्रोल में नहीं है, और लेकिन दूसरी तरफ इन पर दबाव भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, और तहरीक इंसाफ इस दबाव का कल फ़ायदा ले सकती है। दबाव यह बढ़ रहा है कि इन्होंने कोई 7 सड़कें जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की खोली हैं, 7 सड़कें, और वो इसलिए कि इनके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा आ गया था, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि कारोबार सारा रुक गया है और हॉस्पिटल्स में लोग नहीं पहुँच रहे, अद्वियात की किल्लत हो गई है, और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया हैं, जो चाहे वो सब्जियां हैं, गोश्त है, इस तरह की चीज़ उनकी सप्लाई चेन टूट गई है, और उसकी वजह से चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई हैं और लोग अपसेट थे। मैं आपको बताऊं कि मतलब आप ज़रा एक एक वाक्य को देखें ना और इसकी अजियत को ज़रा फील कीजिए कि कितनी लोग इस वक्त तकलीफ़ में हैं, कितनी अजियत में हैं। कल मैंने फेसबुक पर पोस्ट देखी, हमारे दोस्त हैं अब्दुलसलाम बोल टीवी में, तो अब्दुलसलाम उनकी मैंने पोस्ट देखी, उनके जवान भाई जो हैं बड़े उनकी डेथ हो गई, तो खैर मैंने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया, मैंने पूछा, मैंने कहा जनाजा कहाँ पे है, और मैंने उन्हें बताया कि अभी तो सूरत हाल आपके सामने है, तो इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर हूँगा। तो अब्दुलसलाम का मुझे शाम को उसके भाई की डेथ हुई, शाम को उसने पोस्ट लगाई, मैंने कुछ देर बाद उसकी पोस्ट देखी, उसको मैसेज किया, रात 2:25 पर उसका मुझे मैसेज आया और उसने मुझे बताया कि मैं उस वक्त से जब आपने ये मैसेज किया और मैं ऑफलाइन था, वो मैं ऑफलाइन इसलिए था कि मैं गाड़ी प्राइवेट गाड़ी ढूंढ रहा था और रास्तों का पता कर रहा था कि हम किस रास्ते से तौंसा शरीफ जा सकते हैं, क्योंकि उनके भाई तौंसा शरीफ जाते थे, उनकी फैमिली तौंसा शरीफ जाती है और उनकी बहनें भी यहीं रहती हैं। अब आप ज़रा इस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं ना, खुद थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन बहनों का जवान भाई फौत हो गया हो,
और वो 8 बजे उसका सुबह जनाजा और 2:30 बजे वो इस्लामाबाद से निकले हैं प्राइवेट गाड़ी लेके। तो और रास्तों का भी पता नहीं है कि पहुंच, मैं उसके बाद मेरी बात नहीं हुई कि वो जनाजे पे पहुंच सके नहीं पहुंच सके। इस तकलीफ़ और अजियत और कर्ब का आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जबर का निज़ाम, ये फस्ताइयत, ये जुल्म, ये दरिंदगी, ये बर्बरियत किस हद तक है कि जिन लोगों के अपने इस दुनिया से जा रहे हैं उनके जनाजों पे पहुंचना इस मुल्क के अंदर रहते हुए उनके लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल किस हद तक इसने मोहसिन नकवी, इस सरकार, शहबाज शरीफ ने, और वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि मुल्क के लिए, वजह ये नहीं पाकिस्तान के लिए, वजह ये नहीं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए, वजह एक है, एक शख्स के लिए, काजी फायजी साहब। और वो एक शख्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो इनकी चोरी, डकैती, लूट मार के लिए उसने आनी तरमीम बहाल की है, उसने नवाज शरीफ की तहत न्यायालय ख़त्म किया है, उसने इमरान खान को सजाएं दिलवाई हैं, उसने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। उसकी वजह से इमरान खान के 85 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, इमरान खान का भांजा मिलिट्री कोर्ट में है। और आप एक अंदाज़ा लगाएं, अब आप देखें ना कि मिलिट्री कोर्ट में जो फैमिली, जो लोग हैं उनकी फैमिली हमसे रब्ता कर रही हैं, बताएं क्या सूरत हाल है, कब तक केस लगेगा। उनको यही कहा है कि जब तक काजी फायजी साहब बैठा है ये केस मुश्किल है, उनका बाहर आना नामुमकिन नज़र आता है। हाँ, अगर 25 के बाद इससे जान छूट गई और अल्लाह ताला ने इस शख्स से निजात दिलवा दी पाकिस्तान की, फिर अल्लाह ताला करम करना शुरू करेगा इंशाल्लाह, और फिर अल्लाह ताला का करम होगा, फजल होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। 25 तक तो कोई उम्मीद ना रखें कि इस मुल्क में कोई सुख का सांस आएगा, कोई बेहतरी होगी, और कोई उम्मीद ना रखें काजी फायजी साहब के होते हुए। और काजी फायजी साहब इसलिए ज़रूरी है कि इसने मैंडेट चोरी को बचाया हुआ है, इसने आलिया नीलम के साथ मिलकर और वो रिटायर्ड जजेस जो लगवाए, करप्ट रिटायर्ड जजेस लगवाए ट्रिब्यूनल के तौर पे, इसने 4 जजेस मलिक शहजाद के जो सरेंडर करवाए, ये जो कुछ काजी फायजी साहब कर रहा है वो अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, और ये काजी फायजी साहब के लिए जो कुछ कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। कहीं पे मुल्क का मफाद नहीं है, कहीं पे पाकिस्तान का मफाद नहीं है, कहीं पे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मफाद नहीं है, और लोग खौफ का शिकार हैं, लोगों को वाकई अब नींद नहीं आती, लोग परेशान हैं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आईनी तरमीम हो गई और ये शख्स 3 साल के लिए मजीद इस मुल्क पर मुसल्लत हो गया तो पाकिस्तान का होगा क्या, जिसने जबरी इसके दौर में, काजी फायजी साहब के दौर में जितनी जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं पाकिस्तान के 77 साल दौर में किसी चीफ जस्टिस की दौर में इतनी जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हुई जितने इस शख्स के दौर में जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं, जितनी पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी और मायूसी इस शख्स के दौर में आई है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई, कि इस वक्त हर दूसरा पाकिस्तानी निकल के तो देखें, मतलब आप हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर दूसरे पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है सिर्फ इस एक शख्स की वजह से जिसने इस ओहदे पे बैठ के और पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया जिस नहज पे आप आज आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है। पीछे जो भी है वो सबको पता है, करवाया किसके जरिए? काजी फायजी से के जरिए करवाया। 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख इसके जरिए दिलवाई। आरओ जो नून लीग के करप्ट लगाए हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आरओ इसके जरिए लगवाया। 8 फरवरी के इलेक्शन इसके जरिए करवाए। उसके बाद मैंडेट चोरी इसके जरिए बचवाई। ट्रिब्यूनल को काम से इसके जरिए रुकवाया। आमिर फारूक साहब को सपोर्ट इसके जरिए करवाई। आलिया नीलम इसके जरिए लगवाई। मलिक शहजाद अहमद खान को लाहौर हाई कोर्ट से इसके जरिए लाए। इमरान खान के केसेस इसके नहीं, इसने नहीं लगाए। जबरी गुमशुदा लोगों के केसेस इसने नहीं लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड इसने नहीं दी। इमरान खान को सजा देने वाली नीचे अदालतों को सपोर्ट इसने किया। हर चीज़ इस एक शख्स के जरिए हुई है। पीछे जो भी है वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन हुई किसके जरिए? काजी फायजी साहब के जरिए। और इसीलिए काजी फायजी साहब को ये एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये मुसल्लत रखना चाहते हैं।